7 जून के बाद छत्तीसगढ़ में भर्ती को लेकर मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया। बता दें कि मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बयान में कहा कि सभी विभाग अपने अपने तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। 5 साल जो कांग्रेस के रहे वो युवाओं के साथ धोखे के रहे हैं। उन्होंने हर जगह भर्तियां रोकी और जहां थोड़ी मोड़ी हुई वहां पर भ्रष्टाचार किया। इसलिए हमने CGPSC में CBI जांच का आदेश दिया है। बस्तर बंद के आह्वान पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार बहुत मेहनत कर रही है। नक्सलवाद को समाप्त कर बस्तर के विकास का नया अध्याय लिखने के लिए बस्तर करवट ले रहा है। अब इसी क्रम में 50,000 से ज्यादा के सामान पर ई बिल के नोटिफिकेशन पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अन्य सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्था लागू हो चुकी है। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए 50,000 तक की वस्तुओं पर ई बिल से छूट दी गई है। नक्सलवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और नक्सलवाद माओवाद को समाप्त करके बस्तर में अमन चैन स्थापित करके विकास का एक नया अध्याय, एक सुनहरा अध्याय लिखने के लिए बस्तर एक नई करवट ले रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विषय है तो कांग्रेस के लोगों को उसे राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, बस्तर के लिए पूर्ण समर्पित होकर काम कर रही है। सरकार का साथ देना। कल एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 50,000 से अधिक के जो वस्तु रहते हैं उन पे ईवे बिल का रूल लाया गया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि देश के अन्य सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं। जो गैर भाजपा शासित या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन पर भी ये लागू हो चुकी है। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए 50,000 तक के वस्तु पर ईवे बिल से जनरेट करने से छूट दी गई है और इम्प्लीमेंटेशन में भी छोटे व्यापारियों का की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, PLI स्कीम किसने लाया? कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। कांग्रेस के ज़माने में ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भारत में हुआ, न कोई मोबाइल चाइना से बनकर आते थे, रक्षा के उत्पाद चाइना से बनकर आते थे। रक्षा उत्पादों पर कांग्रेस दलाली करने के लिए आज़ादी के बाद 50 सालों तक अपना दलाली खाने के लिए भारत को डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनने दिया। आज मोदी जी के लीडरशिप में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, डिफेंस का, रेलवे इक्विपमेंट्स का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है। वैसी स्थिति में कांग्रेस के लोग बोले कि मेक इन इंडिया पर मोदी जी बात नहीं करते, ये हास्यास्पद है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है।